कल का क्वेश्चन था, चलो स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन में साइन एक्स वन टी स्क्वायर इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स, देन आपको बताना है एफ में वन अपॉन रूट थ्री कितना होगा। ठीक, आपको ये बताना है। क्या बताया थे क्वेश्चन? क्वेश्चन के दो तरीके होंगे, एक तो तुमसे डायरेक्ट पूछ देगा एफ डैश एक्स बताओ, और दूसरा तुमसे पूछेगा कि एफ में कुछ बताओ। ठीक है, एफ में कुछ बताओ, और जो तुम्हारा एफ एक्स होगा, अब एफ में कुछ कब आएगा? जब तुम्हारे हाथों में एफ एक्स होगा। अगर कल को तुम्हारे हाथों में एफ एक्स है, ठीक ना, अगर कल को तुम्हारे हाथों में क्या है, एफ एक्स है, और किसी ने पूछ दिया बताओ एफ सौ बताओ, तो करना है क्या? बस एक्स की जगह क्या रख देना है, सौ रख देना है। ठीक, आज के दिन क्या तुम्हारे पास एफ एक्स है? नहीं है, इंटीग्रेशन के अंदर फंसा पड़ा है। एफ एक्स तो है बट किसके अंदर फंसा पड़ा है? इंटीग्रेशन के अंदर। तो जब भी इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हो कौन, कोई फंक्शन, तो उसको बाहर निकालने का तरीका क्या होता है? बाहर निकालने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन। तो हमको पता क्या चल गया कि इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब जैसे ही हम इंटीग्रेशन करने गए, हमको पता चला लिमिट हम चेक करेंगे, लिमिट, क्योंकि डिफरेंशिएशन के टाइम में सबसे मेन क्या है? लिमिट ही। अगर कल को लिमिट कॉन्स्टेंट है तो आंसर जीरो, और अगर कुछ भी लिमिट नहीं है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मार देगा, खाली फंक्शन आंसर हो जाएगा। बट अगर कल को लिमिट वेरिएबल हो जाए, कैसा हो जाए? लिमिट वेरिएबल हो जाए, तो डिफरेंशिएशन करने के टाइम किस मैथ से डिफरेंशिएशन करना? न्यूटन लेमनीज थ्योरम, एनएलटी। ठीक ना, कौन सा मेथड? न्यूटन लेमनीज थ्योरम। ठीक, अब न्यूटन लेमनीज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है ना, तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए, बस न्यूटन लेमनीज थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। और वो क्या कीजिए कि वो बोलता है आप एक में f की जगह एक बार फंक्शन में अपर लिमिट को पिलाइए। ठीक, एक बार फंक्शन में किसको रखिए? अपर लिमिट को रखिए। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज, अपर लिमिट को रखे कहां? तो जवाब क्या होगा? वेरिएबल की जगह। अब वेरिएबल कैसे पहचाने? तो हम बोले याद करो पहला लेक्चर क्या सिखाए थे, क्या सिखाए थे? वेरिएबल कौन होगा? जो डी के साथ होगा। अगर कल को डी टी है तो वेरिएबल क्या होगा? टी। अगर कल को डी एक्स है तो वेरिएबल क्या होगा? एक्स। और कल को अगर डी यू है तो वेरिएबल क्या होगा? यू। तो अगर वेरिएबल डी यू है तो वेरिएबल क्या होगा? यू। और रखना किसको है तुम्हारा? अपर लिमिट किसकी जगह रखना है? वेरिएबल की जगह। किसकी जगह रखना है? वेरिएबल की जगह। अपर लिमिट तुमको किसकी जगह रखना है? वेरिएबल की जगह। अगर जल्दी से बताओ, अगर कल को टी स्क्वायर प्लस में टी एक्स दिया हो, और इधर सामने से लगा रखा है किसी ने डी टी, तो अपर लिमिट किसकी जगह रखोगे? टी की जगह की एक्स की जगह? टी की जगह की एक्स की जगह? टी की जगह ना, वेरिएबल कौन है? टी। तो अपर लिमिट तुमको किसकी जगह रखा जाता है? वेरिएबल की जगह। इसमें बताओ वेरिएबल कौन है? टी की एफ। टी है ना वेरिएबल? अरे एफ वेरिएबल नहीं है ना यहाँ पे, कौन है? डी टी है ना, तो वेरिएबल कौन होगा? टी होगा। वेरिएबल कौन होगा? टी होगा। एक सेकंड पॉज करना वहां। ठीक है, तो इसमें किसकी जगह रखें हम? टी की जगह। किसकी रखें? टी की जगह। और क्या रखें? अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट क्या है? उधर दिखाया नहीं रहेगा, वहां से अपर लिमिट क्या है? वन है ना, तो बस अपर लिमिट रखते हैं। टी की जगह क्या रखते हैं? अपर लिमिट। टी की जगह अगर अपर लिमिट रखे तो वन का स्क्वायर इंटू में एफ में वन, अरे एफ में वन, बस एफ में वन। अब क्या करें? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जीरो, अरे वन का डिफरेंशिएशन जीरो। बस फंक्शन में अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस में, अब फंक्शन में लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर लिमिट किसकी जगह रखें? टी की जगह। टी की जगह लोअर लिमिट रखे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू में एफ में साइन एक्स। ठीक, एफ में साइन एक्स, एफ में साइन एक्स। अरे टी की जगह रखना है तो यहाँ टी स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ टी था तो साइन एक्स। ठीक, अब क्या करें? लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो लोअर लिमिट क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। न्यूटन लेमनीज क्या बोलता है, एक बार साथ बोलना, अपर लिमिट फंक्शन में एक बार कौन रखें? अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस में लोअर लिमिट रखें, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन फंक्शन में एक बार अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का डैश, फिर माइनस में लोअर लिमिट इनटू में लोअर लिमिट का डैश। यही बोलता है न्यूटन लेमनीज थ्योरम। काम में कब लेते हैं? काम में तब लेते हैं जब किसी ऐसे इंटीग्रेशन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो जिसकी लिमिट कैसी हो? वेरिएबल हो। कैसी हो? वेरिएबल हो। तो एक बार और रिवाइज करा दिए। ठीक है, चलो, अगर इतना रख दिए तो इक्वल टू में क्या है? इधर इक्वल टू में 1 माइनस साइन एक्स का। ये पूरा खत्म तो नहीं हो जाएगा,
कैसे हो जाएगा? अरे जीरो की गुणा किसी में खत्म कर देगी ना, अगर कर देगी तो यहां से क्या बच गया, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में एफ में साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, कहीं यही तो नहीं होगा, कहीं यही तो नहीं होगा। सोच लो, तुमको क्या पता करना था, एफ में वन बाई रूट थ्री, क्या पता करना था तुमको, एफ में वन बाई रूट थ्री। अभी ये मिटा रहे हैं, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, कुछ नोट करना नहीं तो चलो मिटा रहे हैं। किधर गया कपड़ा, किधर गया? सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस का, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस में कॉस एक्स, तो ये कितना हो गया माइनस में कॉस एक्स, इतना हो गया। क्या इस कॉस एक्स ने इस कॉस एक्स को मार दिया, क्या माइनस ने माइनस को भी मार दिया, क्या बच गया, क्या बच गया, एफ में साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। सोच जाना, सोच जाना, क्या यही तो नहीं है? ठीक, कैसा फोटो लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एफ में किसी ने एक्स रखा है इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, अरे इसकी फोटो मिला, फोटो, फोटो किसके ऐसे मिली, एफ में एक्स किसी ने रखा है और वो बन गया वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा ही तो नहीं है फोटो? अरे एक्स की कौन है यहाँ पे, साइन एक्स, वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको क्या पता करना है, एफ में एक बाई रूट, क्या तुम्हारे पास एफ एक्स है, यही तो लाना था इसी दिन के लिए तो हम डिफरेंशिएशन किए, क्या तुम्हारे पास एफ एक्स है? अब एफ में वन बटा रूट थ्री पता करने के लिए एक्स की क्या रख दें, अरे क्या रख दे बोलो, x की जगह वन अपॉन रूट थ्री। यार तुम सब गए यार, f में वन अपॉन एफ एक्स तुम्हारे पास है, कितनी बार बता चुके तुम्हारे पास एफ एक्स है, तुमको अगर कल को f 100 पता करना है तो x की जगह क्या रखोगे, 100। तो आज के दिन तुम्हारे पास एफ एक्स है, पता क्या करना है, वन अपॉन में रूट थ्री, तो x की जगह क्या रख दें, वन अपॉन में रूट थ्री, अंदर क्या हो जाएगा, f में वन अपॉन में रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन में रूट थ्री का होल स्क्वायर, अरे x की जगह वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया ना, वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, और ये थ्री ऊपर जाके क्या हो जाएगा थ्री, तो आंसर कितना हो गया थ्री। चलो नोट करो, क्वेश्चन है, यहां पर नोट करता हूं, इंटीग्रेशन में एफ टी डी टी जीरो से एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन में टी इंटू एफ टी डी टी एक्स से वन, देन एफ एक्स कितना होगा, एफ वन ट्राई कर सकते हो, देखो हाल है तुम्हारा, स्टार्ट इधर देखो। अब हमको क्या करना है, तुम्हारा न्यूटन लेमनीस लगाना है और डिफरेंशिएशन मारना है, तो डिफरेंशिएशन एक साइड मारेगी दोनों साइड, दोनों साइड ना, अरे एक साइड डिफरेंशिएशन मार दो, एक साइड नॉन डिफरेंशिएशन थोड़ा रखोगे, तो अगर डिफरेंशिएशन मारने आ रहे हैं दोनों साइड, तो न्यूटन लेमनीस क्या करता है कि एक बार आप अपर लिमिट रखिए, किसकी जगह अपर लिमिट रखिए, वेरिएबल की जगह, कैसे पता है कि ये वेरिएबल कौन है, जो यहाँ पे है वो वेरिएबल है, डी टी है तो टी वेरिएबल है, तो टी की जगह एक बार क्या रखें, अपर लिमिट, अपर लिमिट बोले तो एक्स इंटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस में अब कौन किसको पुट करना है, लोअर लिमिट को, क्या कहीं लोअर लिमिट कांस्टेंट तो नहीं है, अरे क्या कहीं लोअर लिमिट कांस्टेंट, अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट तो आंसर क्या होता है, माइनस के बाद जीरो, कैसे जीरो, एक बार रखो तो लोअर लिमिट की जगह जीरो, तो टी की जगह जीरो रखो तो एफ जीरो, और फिर जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, तो बस जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा साफ हो जाएगा, इज इक्वल टू में, अब इधर इस साइड का डिफरेंशिएशन मार रहे हैं, क्या हुआ इधर, हाँ अब इस साइड का डिफरेंशिएशन मार रहे हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, अरे एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन में प्लस, और बगल वाले का डिफरेंशिएशन करने हैं तो कैसे करवाएगा डिफरेंशिएशन, हाँ किस मेथड से, न्यूटन लेमनीस ना, अरे बगल वाले का डिफरेंशिएशन किस मेथड से होगा, न्यूटन लेमनीस से, न्यूटन लेमनीस क्या बोलता है कि एक बार अपर लिमिट को पुट कीजिए, अपर लिमिट क्या कहीं कांस्टेंट तो नहीं है, अरे अपर लिमिट कहीं कांस्टेंट तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा पूरा जीरो, जीरो माइनस में, अब लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करोगे तो टी की जगह एक्स इंटू में एफ में एक्स इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन वन, क्या हमारे पास यहाँ से एफ एक्स नजर आ रहा है, अगर इसकी फोटो सुधार लो तो हो चुका है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस x into fx, कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं हो गया है, सोच लो, अब fx इधर भी है, fx इधर भी है, तो दोनों को एक साथ भिड़ाते हैं, fx प्लस में क्या हो जाएगा, x into में fx, क्या कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा, अब इसमें से हमको यहां तक नजर आ रहा है fx कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, देख लो, अरे fx कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर क्या छूट जा रहा है, 1 plus x is equal to 1, तो fx is equal to क्या हो गया, 1 upon में 1 plus x, क्या तुम्हारे पास fx है, अब मर्जी है दुनिया की जो भी चीज पूछ ले वो हम बता देंगे, पूछा क्या है,
एफ में वन, तो एक्स ये क्या रखने की देरी है वन, तो वन अपॉन में वन प्लस वन, आंसर कितना हो गया वन अपॉन टू। क्या कोई दिक्कत परेशानी, आसान या मुश्किल? आसान, ठीक है, बस जाना चाहिए न्यूटन लेमनीस का पूरा खेल, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन माइनस में फिर क्या रखते हैं लोअर लिमिट, इनटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले फंक्शन में अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट टी की जगह किसको रखोगे एक्स को, इनटू में फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस में अब क्या रखोगे फंक्शन की जगह लोअर लिमिट, टी की जगह किसको रखोगे, लोअर लिमिट क्या है तुम्हारा जीरो, और फिर जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, और जीरो गुणे जीरो कितना होता है जीरो, तो क्या बच गया इधर से एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर करो एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस में फिर इसका डिफरेंशिएशन न्यूटन लेमनीस से, न्यूटन लेमनीस ऊपर कॉन्स्टेंट है, अगर कोई भी लिमिट कांस्टेंट होती है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है जीरो, तो इसी हिसाब से जीरो माइनस, फिर दूसरा स्टेप करो क्या होता है दूसरा स्टेप लोअर लिमिट पुट करो टी की जगह लोअर लिमिट, तो एक्स इनटू में एफएक्स और फिर एक्स का लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन वन प्लस न्यूटन लेमनीस आना चाहिए। न्यूटन लेमनीस क्या बोलता है, एक बार अपर लिमिट फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन फिर लोअर लिमिट और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और बीच में माइनस का साइन, बस। चलो अगला टॉपिक मूव करते हैं, जीरो से एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी अपॉन में एक्स साइन एक्स। चलो करो फिर आगे अगला टॉपिक मूव करते हैं, डी टी क्या है यहां पे डी टी, तो टी वेरिएबल होगा और एक्स क्या होगा फिर कॉन्स्टेंट, एक्स क्या होगा फिर कॉन्स्टेंट, तो अगर एक्स कॉन्स्टेंट तो साइन एक्स भी कॉन्स्टेंट, अरे साइन एक्स भी कांस्टेंट था, अगर एक्स कल को कांस्टेंट तो एक्स साइन तो एक्स का फंक्शन है तो वो भी कैसा हो गया कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या लिखा है कांस्टेंट और ये क्या लिखा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट गुणे कांस्टेंट क्या होगा कांस्टेंट ही होगा, अरे दो गुणे तीन करते हो तो एक्स थोड़े हो जाता है छह होता है ना, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब पता क्या चला कि ये पूरी पार्टी कैसी है कांस्टेंट पार्टी है, अरे कांस्टेंट पार्टी है तो इंटीग्रेशन को देख के इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगी, कांस्टेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन इंटीग्रेशन आइदर इन डिफरेंशिएशन, ये सबसे पहले दिन पढ़ाए थे, ठीक है। तो चलो अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन में क्या फंस जाएगा मात्र cos t into dt 0 से x स्क्वायर, बाहर किसको निकाल चुके तुम x sin x को, क्यों निकाल चुके क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्यों निकाल दिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो निकाल दोगे हाँ बिल्कुल निकाल देंगे, क्यों निकाल देंगे कि ना डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करता है ना इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका सॉरी क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन पूछा था d / dx, ठीक है ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा था, चलो इसका डिफरेंशिएशन पूछा था तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे न्यूटन लेमनीस से आगे करेंगे कैसे ये पूछ रहे हैं, क्या के न्यूटन लेमनीस क्या करेगा आगे अपर लिमिट पुट करवाएगा किसकी जगह टी की जगह, टी की जगह अपर लिमिट फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे कहीं कांस्टेंट तो नहीं है तो माइनस में जीरो अपॉन में एक्स साइन एक्स, तो आंसर कितना हो गया x ने x को मार दिया कितना आंसर हो गया 2 cos x स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स। करते हैं लिमिट एज अ सम, लिमिट एज अ सम। अब इसमें दो चीज बताएंगे, सबसे पहले तो पहचान और दूसरा तरीका, ठीक है। तो पहचान क्या होगा, तो पहचान बेसिकली इसके दो होंगे, पहचान दो होंगे कहने का मतलब कि क्वेश्चन तुमको दो प्रकार से पूछा जाएगा, या तो तुमको कल को समेशन दे जाए, क्या दे जाए समेशन, और सामने कहीं लिखा हुआ मिल जाए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कभी भी ऐसा फोटो देखो तो दिमाग में क्या है किसका क्वेश्चन है लिमिट एज अ सम का, सबसे पहले एग्जाम में बैठे हो पता क्या करोगे कि किस को टॉपिक का क्वेश्चन है ना, उसके बाद तो सॉल्व करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले हम पहचान में क्या पता करेंगे किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अब तुमने एग्जाम में देखा कि समेशन दे दिया है और लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दिया, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग किस पे आएगा किसका क्वेश्चन है लिमिट एज अ सम का, फिर तरीका देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे पहचान। दूसरी पहचान क्या है तुमको कि कभी भी लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी तो दे देगा सामने से, बट इस बार समेशन ना दे के तुमको दे देगा एन या फिर एन प्लस वन या फिर बोल सकते हो n प्लस टू की सीरीज, क्या दे देगा n n प्लस वन n प्लस टू की सीरीज, और बीच में क्या होगा या तो प्लस होगा या फिर
मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, जैसे कि बताओ क्या, वन अपॉन में एन प्लस में वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में वन अपॉन में एन प्लस टू, क्या, और सामने दे दिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या इसका क्वेश्चन कहोगे या नहीं कहोगे, क्या एन एन प्लस वन की सीरीज है, बीच में क्या है प्लस है, कल को अगर ऐसा भी हो तो, अरे कल को अगर ऐसा भी हो तो, इसी का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई है बस, ठीक है। तो हमारा पहचान क्या है, पहला लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट और सामने किसी ने समेशन दे दिया, या फिर कल को समेशन ना दे, एन एन प्लस वन एन प्लस टू की सीरीज दे दे और बीच में प्लस या मल्टीप्लाई दे दे, ठीक है। तो हम समझेंगे कि, हम क्या समझेंगे कि इसका क्वेश्चन है लिमिट एज अ सम का। अब तरीका क्या है, तरीका है कि आप समेशन को, समेशन को किसको, समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करें, किसमें चेंज करें, इंटीग्रेशन में चेंज करें। अब यहां पे तो समेशन दिया है, तो हम समेशन को किसमें चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन में। अब समेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन में तो चेंज नहीं कर सकते, कुछ नियम होगा ना बदलाव के, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन वाला समेशन दिया तुम इंटीग्रेशन लगा के थोड़े आ जाओगे, कुछ तो नियम होगा ना उसके बदलने के, तो नियम अभी देखेंगे। बट इसमें अब बच्चे के मन में डाउट क्या आया, इसमें तो समेशन दिया ही नहीं है, तो फिर समेशन को कैसे इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, इसमें तो समेशन दिख रहा है, इसमें समेशन क्या है दिख रहा है, बट इसमें समेशन नहीं दिख रहा है, बट ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है। जब भी हमको सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, किसका क्वेश्चन आ जाए, सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, तो अपने से कैसे, अपने से समेशन सोचो। अब अपने से समेशन कैसे सोचते हैं, ये जब क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा, क्या इसमें समेशन डायरेक्ट दिखा, क्या इसमें समेशन नहीं दिखा, बट क्या समेशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल समेशन इसमें बनेगा। और हम समेशन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन में। तो फिर अगला टॉपिक है समेशन को इंटीग्रेशन में बदलने के रूल्स, बदलने के रूल्स। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल यह है कि आप समेशन की जगह क्या लिखिए, इंटीग्रेशन, क्या लिखिए, इंटीग्रेशन। फिर इसमें जो क्या लिमिट चढ़ाएंगे, अरे क्या लिमिट तो चढ़ाएंगे ना, समेशन को हमने बदला लिमिट में, तो लिमिट कैसे चढ़ाते हैं, लिमिट दूसरी वाली लिमिट कैसे रखते हैं, तो अपर लिमिट को रखते हैं, क्या रखते हैं, अपर लिमिट को हम रखते हैं। एक बार अपर लिमिट को हटाओ, दूसरी बार में सोचो ये कि इसमें कभी भी तुम अगर r by n देखो, क्या देखो, क्या देखो, r by n, क्या देखो, अरे बोलो एक बार, क्या देखो, r by n, क्या देखो, r by n, तो r by n को कायदे के साथ x मान लो, क्या मान लो, क्या मान लो, अरे बोलो यार, r by n को क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। दूसरे लाइन में इसका डिफरेंशिएशन करना r by n का, r by n का डिफरेंशिएशन सोचो, u by v से करोगे तो n square, अरे कितना हो जाएगा, n square, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला चुपचाप, तो जीरो तो नहीं हो गया, अरे जीरो तो नहीं हो गया कि n हो गया, सोच लो, अरे n हो गया ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो r का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाला साइलेंट तो n, माइनस में फिर ऊपर वाला साइलेंट और n का डिफरेंस, तो n तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो n ने n को मार दिया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 अपॉन n। तो कायदे से क्या समझ में आता है कि r by n को x मानिए, एट द सेम टाइम 1 अपॉन n को क्या मान लीजिए, dx, क्या मान लीजिए, dx, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इसका डिफरेंस करोगे तो क्या 1 अपॉन n dx बनेगा। तो r by n को मानिए x और 1 अपॉन n को क्या मान लीजिए, dx, क्या मान लीजिए, dx, क्या मान लीजिए, dx, क्या मान लीजिए, dx। अब अपर लिमिट को कैसे पुट करें, अब अपर लिमिट को कैसे पुट करें, और फिर सिखाते हैं, 3 2, ये 2 हो गया ना, ये तीसरा और ये फिर तुम्हारा चौथा, और लोअर लिमिट को कैसे रखें, ठीक, इतना नोट करो, आगे नोट करो, नोट करो, एक बार रिवाइज भी कराएंगे, हो गया, देखो इधर इधर देखो इधर, सबसे पहले इधर हमको सिखाओ पहचान क्या है इसका, पहचान क्या है इसका, लिमिट में एन टेंस टू इनफाइनाइट और समेशन दिख जाए, लिमिट में एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन दिख जाए, या फिर दूसरी पारी में लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कुछ सीरीज दिख जाए, क्या सीरीज दिखेगी, तो समेशन खुद से बनाना है, क्या समेशन खुद से बनाना है, फिर उस समेशन को किसमें चेंज करना है, इंटीग्रेशन में, उसके कुछ रूल्स होंगे, रूल्स क्या है कि आप समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कीजिए, जिस टाइम आप इंटीग्रेशन में चेंज करें कहीं भी r / n दिख जाए तो उसको क्या मानिए, x मानिए, क्या मानिए, x मानिए, और 1 / n दिख जाए तो क्या मानिए, dx मानिए। फिर अपर लिमिट को कैसे रखें, अपर वैल्यू ऑफ समेशन अपॉन में n, लोअर लिमिट को कैसे रखें, लोअर वैल्यू ऑफ समेशन
अपॉन मैक्स। अब ये अपर वैल्यू ऑफ समेशन और लोअर वैल्यू ऑफ समेशन क्या होता है, जब भी तुमको समेशन देगा क्या देगा, समेशन देगा, तो खाली समेशन नहीं देगा, तुम ध्यान से देखोगे तो समेशन नीचे r इज इक्वल टू 1 से लेके कुछ मान जाओ n देगा। तो ये ऊपर जो लिखा होगा वो क्या होगा, अपर वैल्यू ऑफ समेशन। अरे ऊपर जो लिखा है वो क्या है, अपर वैल्यू, और जो नीचे लिखा है वो क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ समेशन। तो तुमको अपर लिमिट की जगह क्या रखना है, अपर वैल्यू ऑफ समेशन और डिवाइडेड बाय n मार देना है, और लोअर लिमिट की जगह क्या रखना है, लोअर वैल्यू ऑफ समेशन अपॉन में n अपॉन में n अपॉन में n। तो यहां जल्दी से बताओ अपर लिमिट अगर इसमें रखोगे तो अपर लिमिट कैसे रखोगे, इसमें चेंज करो हमारे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में चेंज किए अपर लिमिट, बताओ अपर लिमिट की जगह क्या रखोगे, अपर लिमिट की जगह n, अरे n अपॉन में n, क्या यही तो नहीं होगा, अपर वैल्यू ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n। अपर लिमिट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट क्या चढ़ाओगे, अपर वैल्यू ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n, तो अपर वैल्यू क्या था n डिवाइडेड बाय n, इसमें क्या करोगे लोअर वैल्यू ऑफ समेशन दैट इज 1 अपॉन में n, तो क्या हो जाएगा n बाय n कितना हो जाएगा 1, और 1 अपॉन n कितना हो जाएगा 1 अपॉन, बस पुट करो, एग्जांपल लगा दो, नोट करो पूरा सामान, नोट करो, फिर क्वेश्चन दिखाते हैं, दो क्वेश्चन। सबसे पहले क्या था इसका पहचान क्या था, कॉपी में अपना देखो पहचान क्या था, लिमिट एंड टू इनटू इनफिनिट और समेशन चिपका जाए, या फिर दूसरा लिमिट एंड टू इनटू इनफिनिट, लिमिट एंड टू इनफिनिट समेशन में एन एन प्लस वन। अब जैसे हमको याद है वैसे तुमको भी याद होना चाहिए, ठीक ना, लिमिट एंड टू इनफिनिट समेशन दिया, पहचान तो याद होना चाहिए, बाकी तरीका भले ही भूल जाओ, समय पहचान एक बार याद होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, लिमिट एंड टू इनफिनिट सीरीज होनी चाहिए किसकी, एन एन प्लस वन, बीच में गुणा या जोड़ होना चाहिए, ठीक है। चलो ये था पहचान, तरीका क्या था कि समेशन को किसमें चेंज करो, इंटीग्रेशन चेंज करो, अब इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन आएगा तो लिमिट खोजेगा, अपर लिमिट को क्या लिखें, अपर वैल्यू ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n, और लोअर लिमिट को क्या लिखें, लोअर वैल्यू ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n, फिर क्या लिखें, r बाय n को कहीं भी देखो तो क्या मान जाओ, x मान जाओ, r बाय n को क्या मान जाओ, x मान जाओ, और 1 अपॉन n को dx, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n समेशन में r अपॉन में अंडर द रूट में r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 से 2n, इतना दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या पहचान से मिला, लिमिट एंड टू इनफिनिट और समेशन, पहचान मिल गया, तो पहचान हमारा ओके है कि नॉन ओके है, पहचान हमारा ओके है। तो अगर पहचान ओके है तो बस हम तरीका देखेंगे, तरीका क्या था कि समेशन को इंटीग्रेशन में बदलो, तो दूसरी लाइन में तरीका अपना रहे, समेशन को किसमें बदले, इंटीग्रेशन में, समेशन को किसमें बदले, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में अपर लिमिट क्या चढ़ा है 2n डिवाइडेड बाय n, 2n डिवाइडेड बाय n, और लोअर लिमिट क्या चढ़ा है, लोअर लिमिट क्या रखें 1 अपॉन में n, 1 अपॉन में n, और सामने से लिमिट n टेंड टू इनफिनिट तो रहेगा ही, ठीक है, हो गया। अरे हो गया ना, अगर ये हो गया तो जल्दी से बताओ इधर क्या हो गया, ये r अपॉन में अंडर द रूट में r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू में ये 1 अपॉन n को हम अंदर लेके आ गए, क्या इतना ही तो नहीं हुआ कुछ, अरे इतना ही तो नहीं हुआ कुछ, अब n ने n को मार दिया, n ने n को मार दिया, और यहां क्या लिखा है, लिमिट n टेंड टू इनफिनिट, मतलब जहां भी n बचा यहां पे, इन दोनों में जहां भी n बचा, क्या यहां पे n बचा, यहां पे क्या रखो इनफिनिटी, 1 अपॉन में इनफिनिटी कितना हो जाएगा, अरे 1 अपॉन में इनफिनिटी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में इनफिनिटी होता है 0, और इनफिनिटी अपॉन में कुछ भी होता है, एक बार फिर से आया तो बता दिए, इनफिनिटी ऊपर इनफिनिटी तो वैल्यू भी इनफिनिटी, और नीचे इनफिनिटी तो आंसर 0, नीचे इनफिनिटी तो आंसर 0। चलो चलो चलो, तो ये कितना हो गया, ये कितना बन गया, अरे 1 अपॉन में इनफिनिटी क्या बन गया 0, तो अगली लाइन में लिख दिया हमने 2 0, और अंदर ही अंदर क्या हो गया, r अपॉन में अंडर द रूट में r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन में n। अब तरीका क्या था, r / n को क्या मानना, कहीं भी देखना तो x मानना, क्या देखना x, और 1 / n को क्या मानना dx, तो इस 1 / n से पूछोगे क्या बनेगा, तो ये तो बोलेगा हम dx बनेंगे, और r / n को क्या मान के आना x, क्या r / n कहीं है, कहीं नजर आ रहा है r / n, देखो कहां नजर आ रहा है, हमको तो नजर आ रहा है r है ना, खाली r / n खोजना है, r / n कहीं दिया हुआ है नहीं, बट क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, डिवाइड मार दो n की, अगर इसमें डिवाइड मानोगे तो अगल बगल वाला बोलेंगे हम पाप थोड़े किए, हमारे नीचे भी तो डिवाइड लगेगा,
पड़ेगा ना। अरे इस आर के नीचे तुम एन डिवाइड लगा के नहीं आ सकते ना, तुमको सबके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो हम डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, डिवाइड किससे करने आ रहे हैं, एन से। तो अगर एन से डिवाइड करेंगे तो जीरो से टू इधर क्या बन जाएगा, आर अपॉन में एन, और अंदर ही अंदर अब सोच के बताना, बिल्कुल दिमाग से बताना, इसमें एन की डिवाइड कर रहे हैं कि रूट में एन स्क्वायर की डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम किसकी डिवाइड कर रहे हैं, एन की, या रूट में एन स्क्वायर की बोल सकते हैं। अगर इसमें एन की डिवाइड लगे तो अंदर रूट में किसकी डिवाइड लगे, एन की एन स्क्वायर की, एन स्क्वायर की, किसकी डिवाइड लगाएं, एन स्क्वायर, क्योंकि रूट में है ना, रूट में एन स्क्वायर कितना होगा, एन ही होगा। तो अंदर ही अंदर किसकी डिवाइड लगाएं, एन स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्या एन स्क्वायर की डिवाइड लगाएं कि एन की डिवाइड लगाएं, एन की डिवाइड लगाएं ना, ओवरऑल देखो रूट है ना, अब रूट एन स्क्वायर को क्या बना देगा, एन बना देगा। तो ओवरऑल डिवाइड किसकी लगाएं, एन की, बट चूंकि रूट के अंदर डिवाइड लगाएं इसलिए हम किसकी करें, एन स्क्वायर की, ठीक है। चलो 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 चलो, इतना हो गया, इतना होते हैं ये एन स्क्वायर ने उड़ा दिया, क्या बच गया, ऊपर 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 हो गया आर बाई एन, और नीचे क्या हो गया, अंडर द रूट में आर अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस में वन। इतना ही तो नहीं हुआ, सोच लेना, अरे सोच लेना, इनटू में बगल वाला क्या बन चुका है, dx, 1 upon n क्या बन चुका है, dx। अब क्या तुमको r by n नजर आया, अरे r by n नजर आया, r by n को क्या मान लें, x, r by n को क्या मान लें, x, और नीचे ही नीचे ये कितना हो गया, x square प्लस में 1 इनटू में dx 0 से 2। बताओ आंसर कितना होगा, कहीं मसाला फॉर्मूला याद करो यहां से, x dx अपॉन में आंसर हमेशा नीचे वाला, तो आंसर हमेशा नीचे वाला, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2। अब आंसर बताओ, तो इसके बाद बस लिमिट रखो और आंसर लाओ, नोट करो और आंसर लाओ, नोट करो आंसर लाओ, बताओ मत, नोट करो, ठीक है, बाकी तुम सब करना। चलो लिमिट आ रहे हैं तुम सब, क्या इसमें देख लिए क्या किया, r by n क्या देगा वो, क्या r by n देगा कि तुमको बनाना पड़ेगा डिवाइड करके, डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, तो कभी भी r by n नहीं देगा, r by n नहीं देगा। तो लिखो कॉपी में कि वो कभी भी r by n, लिखो क्वेश्चन में कभी भी, क्वेश्चन में कभी भी r by n नहीं देगा, r by n नहीं देगा, हमको बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। लिखो और अगला क्वेश्चन करो, वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में वन अपॉन में एन प्लस टू प्लस में वन अपॉन में एन प्लस थ्री से डैश 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 वन अपॉन में सिक्स एन। क्या यहाँ लिमिट दिखा, अरे क्या लिमिट दिखा, लिमिट दिखा ना, लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी तो दिखा, बट क्या समेशन दिखा, अरे क्या समेशन दिखा, नहीं दिखा, तो समेशन बनाना पड़ेगा। अब समेशन बनाने का क्या तरीका होता है ये सीखो, समेशन में इधर देखो, इधर क्या वन बदल रहा है नहीं। कि हर जगह वन ही वन है, अरे ऊपर देखो वन 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 वन, तो ऊपर लिख दो समेशन में क्या वन, क्या लिख दो वन। क्या यहां पे देखो ये एन बदल रहा है, अरे एन बदल रहा है, ये एन प्लस वन है, ये एन प्लस टू है, सिर्फ एन पूछ रहे हैं, सिर्फ एन, आगे वाला नहीं, एन बदल रहा है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे टू एन थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है एन 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 एन। इस सिक्स एन को क्या लिख सकते हो इस फॉर्म में, एन प्लस सिक्स एन को क्या फाइव एन, अरे एन प्लस क्या लिख सकते हो फाइव एन, नहीं लिख सकते, हम सामने एन लेके आए, सामने क्या लेके आए एन, तो एन प्लस में कितना एन बच गया फाइव एन, तो फाइव एन प्लस एन सिक्स एन हो गया, ठीक। अब चलो इतना n नहीं बदल रहा है, तो n को क्या लिख दिए n, बदल क्या रहा है पास वाला, क्या बदल रहा है पास वाला, तो क्या बदला वन हो रहा है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और डैश डैश करते क्या हो रहा है लास्ट में फाइव एन। तो नियम क्या है कि समेशन में जो बदल रहा है उसको हम लिखते हैं r से, क्या लिखते हैं r से, r किसको लिखे, जो बदल रहा है, जो बदल रहा है। और इसमें लिमिट कैसे पुट करते हैं, लिमिट बोलना सॉरी गलत होगा, इसमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू कैसे पुट करते हैं, देखते हैं कि आर बदल रहा है, आर बदल रहा है ना, अरे आर बदल रहा है, आर कौन है, ये वन टू थ्री बदल रहा है ना आर, तो इसमें नीचे देखते हैं कि सबसे शुरू में आर क्या है और सबसे लास्ट में आर क्या है, सबसे शुरू में आर क्या है one. अरे सबसे शुरू में आर क्या है वन, तो आर इज इक्वल टू वन, और सबसे लास्ट में आर क्या है, सबसे लास्ट में आर क्या है फाइव या फाइव एन, फाइव एन, अरे आर वन है, फिर टू है, फिर थ्री, और सबसे लास्ट में आर क्या है फाइव एन, तो कितना हो गया फाइव एन। तो इसमें कैसे सोचे, स्टार्टिंग में आर क्या है, और इसमें ये अपर वैल्यू कहां से सिखाए, लास्ट में आर क्या है, बस क्या बदलना आ जाएगा,
क्या बदलना आ जाएगा? जल्दी से बताओ हमको, अगर कल को ऐसा दिया होता n प्लस में n प्लस 1 प्लस में n प्लस 2 प्लस में n प्लस 3 ऐसे ही करते 6n, तो जल्दी से बताओ समेशन कैसे कैसे बदलते। लिखो लिखो कॉपी में लिखो, n प्लस में क्या पास वाला बदल रहा है? अरे फोटो ऐसा ही होना चाहिए ना, n प्लस में क्या होना चाहिए फोटो? r, n प्लस में क्या लगाते हैं? r, r की वैल्यू शुरू में बोलो, अरे शुरू में बोलो r की वैल्यू, अरे 1 की 0, सबको स्टार्टिंग में 0 है ना, तो शुरू में r की वैल्यू 0 और लास्ट में r की वैल्यू 5, लास्ट में r की वैल्यू 5n, तो r is equal to 0 से 5n। इसको क्या बोलता है? समेशन को खोलना, पता है समेशन को खोलना, एक बार r की जगह 0 रखो तो r की जगह 0 रखते क्या होगा? n, अरे n फिर 0 से लेके 5n के बीच का नंबर रखो तो फिर 0 के बाद कौन आएगा? अरे जीरो के बाद क्या था? 1, तो n में n प्लस 1, फिर 2 रखोगे तो n प्लस 2, फिर n प्लस 3, क्या ऊपर वाला मिल गया? ठीक है, तो ऐसे चेंज करते हैं समेशन में, फिर समेशन को ऐसे खोलते हैं। ठीक है, चलो इतना आ गया, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन कर लोगे? इसके बाद करो पिछला ही क्वेश्चन जैसा, चैप्टर ओवर हो गया, चैप्टर इसका सॉल्यूशन के बाद बोल देंगे चैप्टर ओवर। देखो इधर समेशन को किसमें कन्वर्ट करें? समेशन को किसमें कन्वर्ट करें? इंटीग्रेशन में। समेशन को किसमें कन्वर्ट करें? इंटीग्रेशन में। अगर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें तो लोअर में क्या, लोअर लिमिट कैसे चढ़ाएं? क्या 1/n? अरे क्या 1/n? लोअर वैल्यू ऑफ n, तो लोअर वैल्यू ऑफ n कितनी है? 1/n की खाली 1 है, 1/n, और ऊपर कितना हो जाएगा? 5n/n, अरे r की वैल्यू, लोअर वैल्यू ऑफ समेशन अपॉन में n, और अपर वैल्यू ऑफ समेशन अपॉन में n, नीचे इधर क्या लिखा है? 1/n + r, यही लिखा है ना, अरे यही लिखा है, इस n ने n को मार देगा और फिर लिमिट n टू इनफिनिटी चढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0, तो अगली लाइन में क्या लिख दें? 5 से 0, और अंदर ही अंदर कितना हो गया? 1/n + r, अंदर ही अंदर कितना है? 1/n + r, अब क्या यहां r / n दिया? बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई n, अरे यहां पे r है, बस इसके नीचे डिवाइडेड बाई n लगाने की जरूरत है, r / n बन जाएगा, तो इसके नीचे अगर डिवाइडेड बाई n लगाएं तो ये भी नाराज, इसके नीचे भी लगाएंगे और इसके नीचे भी लगाएंगे, क्या ये 1/n दिख गया? अरे 1/n दिख गया, 1/n की जगह क्या लिख दें? 1/n की जगह क्या लिख दें? dx, और ये नीचे नीचे ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये 1+ में, और r / n को क्या मानोगे? x, तो क्या इसका इंटीग्रेशन पता है? कहीं log में 1+x तो नहीं होगा? अरे 1/n में 1+x का log में 1+x कहां से कहां तक? 0 से 5 तक, तो रखो 5, तो हो जाएगा log 6 माइनस में log 1, तो आंसर कितना हो गया? log 6। चलो नोट करो, 1+ में n, 1+ में n/2, इंटू में 1+ में n/3, इंटू में डैश डे डैश करते 1+ में सिर्फ 1, डैश डे डैश करते सिर्फ लास्ट में 1, चलो इधर देखो क्या समेशन में कन्वर्ट करने आता है, अगर कल को यहाँ पे प्लस होगा तो बताओ कैसे लिखते, प्लस करके तुम समेशन बनाओ फिर हम आगे बताते हैं, हमें मान जो बीच में प्लस 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 है तो फिर समेशन बनाओ कैसे बनेगा, ये 1 चेंज हो रहा है नहीं, तो 1 को ऐसे ही लिख दे, 1 प्लस में क्या n n n, तो यहाँ पे भी तो n होना चाहिए ना, अरे यहाँ पे क्या होना चाहिए? n होना चाहिए, तो इसको लिखें तो ऊपर क्या होना चाहिए? n, अब नीचे बताओ क्या करे कि डिवाइड लग के 1 हो जाए, अरे नीचे भी तो n ही लिखे ना, तभी तो डिवाइड लग के 1 हो जाएगा, पिछली बार 6n था तो हम इसको n प्लस में 5n लिख दिए, इस बार 1 है तो क्या लिख दिए? n/n, ठीक, चलो 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 इतना हो गया, तो 1+ में n/, नीचे क्या लिखे, क्या नीचे वाला बदल रहा है? यहाँ पे क्या है? 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3, ऐसे ऐसे करते लास्ट में क्या है? n, तो नीचे वाला बदल रहा है, तो 1+ में n/r लिख दिए, r की वैल्यू शुरू में कितनी है? अरे r की वैल्यू शुरू में कितनी है? 1, और लास्ट में कितनी है? n, लास्ट में कितनी है? n, ठीक है, ये काम हम तब करते हैं जब बीच में क्या होता है? प्लस होता है, अरे बीच में क्या होता है? प्लस होता है, बट सेम काम करते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, बट समेशन हटा के उसकी जगह लिख देते हैं ऐसा सिंबल, कैसा सिंबल? ऐसा सिंबल, इसको बोलते हैं पाई या फिर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, तो जब बीच में प्लस हो तो कैसा सिंबल? ऐसा सिंबल, जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो कैसा सिंबल? ऐसा सिंबल, तो और अंदर बस यही 1/n + r, तो ऐसा सिंबल कब? जब बीच में क्या हो? अरे जब बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई,
और ऐसा सिंबल कब, जब बीच में क्या हो, प्लस, जब बीच में प्लस। आज के दिन क्या है, आज के दिन क्या है, मल्टीप्लाई। तो बस लिखें मल्टीप्लाई, वही चीज लिखें। बट हमारा नियम किस पे काम करता है, समेशन पे। अरे हमारा नियम किस पे काम करता है, समेशन पे, क्योंकि हम समेशन को किस में चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन में। आज के दिन कौन है, प्रोडक्ट। क्या इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर पाओगे, नहीं। तो फिर फॉर्मूला काम में क्या लेते हैं, अगर कल को तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है, और तुम जाना चाहते हो समेशन में, क्या चीज होगा जो प्रोडक्ट को समेशन में बदल देता है, सोचो। हाँ, क्या चीज प्रोडक्ट को समेशन में, भाई बोले हो क्या, प्रोडक्ट पे हो और समेशन पे जाना चाहते हो, क्या चीज प्रोडक्ट को समेशन में बदलता है, लॉग। अगर कल को तुम्हारे पास लॉग में प्रोडक्ट है तो किस में चेंज हो जाता है, लॉग में समेशन। क्या यही तो नहीं होता, अगर कल को तुम्हारे पास लॉग ए इंटू बी है और तुम चाहते हो कि ए प्लस बी बन जाए, क्या चाहते हो, ए प्लस बी बन जाए, तो बस लॉग ले लो, क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी कितना होगा, लॉग में ए प्लस में लॉग में बी। तो नियम क्या है कि कभी भी प्रोडक्ट हो तो उसके आगे अगर लॉग लगा दिए तो किसमें बदल जाएगा, लॉग में समेशन। बस अगर प्रोडक्ट में लॉग लगा दोगे तो किसमें बदल जाएगा, लॉग में समेशन। क्या बदल जाएगा, लॉग में समेशन। तो आज के दिन इसको समेशन में बदलने के लिए क्या कर लें, लॉग ले लें। अरे क्या कर लें, लॉग ले लें। तो टेकिंग लॉग, अगर लॉग ले लिया तो ये पाई किसमें बदल चुका, समेशन में। पाई किसमें बदल चुका, समेशन। आर इज इक्वल टू वन, वही कहानी, और ऊपर क्या, एन। अंदर ही अंदर क्या हो गया, लॉग में वन प्लस एन बाई आर। यही तो नहीं होगा क्या, इसके आगे कर लोगे, क्या इसका कर लो यार, समेशन को इंटीग्रेशन में बदलो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, चैप्टर ओवर हो गया। मतलब इसकी पूरी ओवरऑल डिग्री कितनी थी, वन अपॉन मैन डिग्री कितनी थी, वन अपॉन मैन। चलो इधर दिखाओ, इधर इधर चलो दिखाओ, वन अपॉन मैन डिग्री थी, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन अपॉन में एन हो गया डिग्री, वन अपॉन में एन। यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन अपॉन मैन, बट लॉग लगने के साथ क्या वन अपॉन एन डिग्री सामने आ जाएगा। अरे सोच लो, वन अपॉन एन डिग्री कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डिग्री था वन अपॉन मैन, और ये वन अपॉन एन कहाँ हो गया, सामने। क्यों आ गया सामने, क्योंकि लॉग लग गया, क्यों, क्या लग गया, लॉग लग गया। अगर सामने आ गया तो लिखा क्या है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटाएं, और अंदर ही अंदर हमको दिखा समेशन को किसमें चेंज करना है, इंटीग्रेशन में। नीचे क्या लिखते हैं, वन अपॉन में एन, और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, एन अपॉन में, एन अपॉन में एन, ठीक। और अंदर ही अंदर क्या है, लॉग में वन प्लस में एन बाई आर इंटू में वन बाई एन, कहीं यही तो नहीं है, देख लो इस वन अपॉन एन को हम अंदर कर दिए, यही तो नहीं है। ये कितना हो गया, जीरो। अरे लिमिट लगने के बाद जीरो हो गया ना, वन अपॉन में एन जीरो, और ऊपर ऊपर कितना हो गया, तो वन से जीरो लॉग में वन प्लस में क्या आर बाई एन दिया है, सोच लो आर बाई एन दिया। अरे आर बाई एन दे चाहे एन बाई आर दे, फर्क थोड़ी बनता। अगर कल को तुम आर बाई एन को बोल रहे हो एक्स, तो एन बाई आर क्या होगा, अरे वन अपॉन एक्स ना। आर बाई एन कल को एक्स है, तो एन बाई आर कितना होगा, वन अपॉन में एक्स, तो वन अपॉन में एक्स इंटू में वन अपॉन एन क्या होगा, अरे वन अपॉन एन क्या होगा, अरे वन अपॉन एन क्या होगा, डी एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कैसे करोगे, जीरो से वन, जीरो से वन कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, log 1 कैसे करोगे, log 1 by x। क्या ये लिखा है तुमको log में, क्या ये तुमको लिखा है log में, नीचे नीचे कैल्शियम बोलो, नीचे नीचे कैल्शियम बोलो x, और ऊपर क्या लिखा है, x प्लस वन इंटू डी एक्स। अगर कोई भी चीज log में डिवाइड में हो तो किस में चले जाती है, माइनस में। log में x प्लस वन, माइनस में log में x इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से। क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, log में x प्लस वन का इंटीग्रेशन, वन अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है log x, log x का डिफरेंशिएशन कहीं सिखाए थे, x कुछ करके था, अब तुम देखो और फिर आगे करना, चैप्टर इंड, चैप्टर इंड हो गया, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन।